अरे यार खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो, क्या हम बर्तानिया को हरा सकते हैं? हमें इस जंग में पड़ना ही नहीं चाहिए था। आप लोग जंग के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तारीख में पहली बार दो आलमी ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग किया है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बड़ी ताकतों ने ऐलान जंग किया है, हम बड़ी ताकत नहीं है। अनवर पाशा इस्लामी मुमालिक की आजादी के चक्कर में हमें खतरात में धकेल रहे हैं, अपने पैरों पर तो खड़े नहीं हुए, दुनिया बचाएंगे। छोड़ दो इस बात को, थोड़ा होश में आ जाओ। मुसलमान मुमालिक और वसती एशिया सरजमीनों की आजादी का ख्वाब देखना कब गुना हो गया? मुझे बताइए आप इस बारे में क्या जानते हैं? अपने हालात की वजह से ही कह रहा हूँ मैं, हम जंग के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तुम्हें तो अंधा कर दिया दुनिया को बचाने के ख्वाब ने, तुम हकायक को नजरअंदाज कर रहे हो। मुल्क हलक तक कर्ज में डूबा हुआ है, मुफाहिमत हमारा खून चूस रही है। वजीर आजम मोदे पर आने से पहले सफीरों के पास हाजिर होता है और उनसे अहकामात लेता है। इस जंग में इसलिए शामिल हुए हैं, या तो बन जाएंगे या टूट जाएंगे, या जीतेंगे या मर जाएंगे। और तुम भी इसको हकीकत बनाने के लिए दारुल फुनून से आजाद हो जाओगे, है ना? अपनी आंखें खोलो मेहमत, मुल्क तबाही के दहाने पर है। मैं इस्लामी मुमालिक की आजादी की खातिर अपनी आजादी कुर्बान करने को हाजिर हूँ। अगर इस मकसद की खातिर शहीद हो गया तो मेरे लिए एहसास होगा। ये कैसा जुनून है, बैठ जाओ। हर नस्ल को तकदीर फराइज सौंपती है, हमारी किस्मत में प्यारे वतन के टुकड़े होते देखना था। हमारे मुजाहिदों को फतह किया गया और जमीनों को हमारे हाथ से जाते देखना था। हर मुसीबत का सामना करने के लिए हम तैयार हुए, और अब उसका वक्त है। या तो अब सिर्फ दर्द को बर्दाश्त करना है, या हर मुश्किल से लड़कर उसको फना करना है। तकदीर हमें जंग तक ले आई, और अब जंग की अच्छी तैयारी करनी है। पहले तो यकजा होना है और दुश्मन को फूट डालने का मौका नहीं देना, समझ गए? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपने हम समझ गए बाबा। आइंदा इन मसाइल की वजह से एक दूसरे का दिल मत तोड़ना। जब जंग शुरू हो जाएगी ना तो ये दिन याद आएंगे। खैर होगी इंशाल्लाह। ए अल्लाह तू मेरा कैसा इम्तिहान लेगा।
या रब्बे, मुसलमानों की इज्जत, रियासत की नामूस, इस्लाम की इत्तेहाद, मजलूमों के हक की खातिर दुश्मन के मुकाबले हमें ताकत दे। उस्मानिया दस्ते में शामिल होने में मेरी मदद कर, मुझे शहादत नसीब कर। बेशक तू जरूरतमंदों का मददगार है, मेरी दुआ कबूल करना मेरे अल्लाह। आमीन।